देशभर में आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी है। इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की आराधना की जाती है। प्रदेश में भी दुर्गा अष्टमी का त्यौहार बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। देहरादून के मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना हो रही है और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। मंदिरों में माता के जयकारे लग रहे हैं और भजन कीर्तन हो रहे हैं। बागेश्वर जिले के चंडिका मंदिर में आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा माँ चामुंडा, माता कालिका, संतोषी माता, हनुमान, लांगड़ा वीर, क्षेत्रपाल और भेलू देवता के मंदिर में भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। माँ चंडिका मंदिर में माता के अलावा माँ चामुंडा, माता कालिका, संतोषी माता, हनुमान, लांगुड़ा वीर, क्षेत्रपाल और भेलू देवता के मंदिर स्थापित हैं। मंदिर की देखरेख का कार्य चंडिका मंदिर कमेटी करती है। चंडिका मंदिर के पुजारी हेम जोशी ने बताया कि ये मंदिर चंद्रवंश के समय से है और इसमें महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, इसमें माँ भगवती जगदम्बा की जो है आराधना की जाती है 9 दिन तक। उसके बाद 9वें दिन भगवती माता को कन्याकुमारी के सहित की पूजा करने के बाद, उनका पूजन करने के बाद उस व्रत का जो है पारायण किया जाता है। आज महागौरी जो है अष्टमी के रूप में यहाँ पर देवी की पूजा होती है। चंडिका माता का मंदिर जो है का जिस समय यहाँ पर चंद्रवंशी राजा ने इसे बागनाथ जी मंदिर की स्थापना की, तो कुल देवी के रूप में जो है यहाँ के लोगों ने यह मंदिर की स्थापना की। वहीं टिहरी जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां चंद्रबनी के मंदिरों में आज नवरात्रि के अष्टमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। मां चंद्रबनी में अष्टमी का विशेष महत्व होता है। चंद्रबनी मंदिर के पुजारी रमेश चंद्र भट्ट ने बताया कि अष्टमी के अवसर पर महागौरी की पूजा की जाती है, जिसका बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती का बदन चंद्रकूट पर्वत पर गिरा था, इसलिए यहाँ का नाम चंद्रबदनी पड़ा। आज महागौरी का दिन है और कल अंतिम दिन यानी सिद्धिदात्री का दिन होगा, जो नवमी के नाम से जो है जाना जाएगा। और आज विशेष पर्व है, चतुर्भुजी देवी अष्टभुजाओं वाली आज भगवती रहती है, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी और सती रूप में जो है भगवान शिव की पत्नी रही, पार्वती रूप में भगवान शिव की पत्नी रही। यहाँ पर बदन गिरने से चंद्रवाय से अशा बदना थी चंद्रवदना, यानी चंद्रकूट पर्वत पर उसका बदन गिरा, चंद्रमा के समान बदन वाली माता का, इसलिए उसका नाम चंद्रबदनी हुआ। और महागौरी अष्टमी के नाम से जो है उसको जाना जाता है, क्योंकि अष्टभुजाओं वाली भगवती है।